हे गाइस, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है आस मोहम्मद और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल AKS टेक फोरम में। AKS टेक फोरम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो Y31 को आप कैसे हार्ड रीसेट कर सकते हैं, फैक्ट्री डाटा रीसेट कैसे कर सकते हैं। मेरे पास है वीवो Y31। अगर आपको इस फ़ोन की और टिप्स एंड ट्रिक की वीडियोज़ देखनी है, शॉर्ट वीडियोस मैंने बहुत सारी बना रखी हैं इस चैनल पर, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। सो गाइस, विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है और नीचे जाना है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे जाने के बाद मिल जाता है सिस्टम। तो सिस्टम के ऑप्शन पर क्लिक करने कर लेना है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, बैकअप डाटा और रिसोर्स रिस्टोर डाटा और रीसेट ऑप्शन। तो यहाँ पर रीसेट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन आपको इरेज ऑल डाटा कर लेना है, फैक्ट्री डाटा रीसेट करना है। तो यहाँ पर आपको फैक्ट्री डाटा रीसेट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाए गए हैं, जैसे कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर, फाइल मैनेजर, म्यूज़िक, फ़ोटो, वीडियोस सभी डिलीट हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको कर देना है इरेज ऑल डाटा। जैसे ही आप इरेज ऑल डाटा पर क्लिक करते हैं, तो आपको एक दो सेकंड का टाइम लगता है और आपका फ़ोन बंद हो जाता है। अब आपका फ़ोन बंद हो जाता है और आपको इसमें कुछ सेकेंड का टाइम लगता है खुलने में, आपको 10-20 सेकेंड का टाइम लग सकता है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है, तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हम ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक की वीडियोस हमेशा लाते रहते हैं, हिडन फीचर्स की वीडियोस। अगर आपको नए नए फ़ोन की और वीडियोस देखनी है, तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर से विजिट करते रहना है। सो गाइज, तब तक फ़ोन खुलता है, वीडियो को कर देते हैं पॉज। सो गाइज, अब हमारा फ़ोन खुल चुका है और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। तो यहाँ पर आपको सेटअप कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको करना है स्टार्ट पर क्लिक। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, अपना कंट्री जो भी हो आपको, आई होप आपका इंडिया होगा। नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, फिर एग्री कर देना है, और एग्री करने के बाद यहाँ पर आपको स्किप कर देना है, स्किप ऑफलाइन। और आपको कोई वाईफाई के साथ अपना सेटअप करना है, तो वाईफाई के साथ भी कर सकते हैं, बट मैं भी ऑफलाइन करता हूं। तो यहां से आपको इसे नेक्स्ट कर देना है, और यहां से भी नेक्स्ट करना है। यहां से आपको ऊपर की ओर स्वाइप कर लेना है, और यहां से आपको एक्सेप्ट कर लेनी है। एक्सेप्ट करने के बाद यहां से आपको इसे भी स्किप कर लेना है, हम बाद में फिंगरप्रिंट और फेस लॉक लगा लेते हैं। इसकी मैंने एक वीडियो और बना रखी है, आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आई बटन पर भी मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ से आपको स्किप कर देना है, और यहाँ से आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद यहाँ पर आपको कंग्रेचुलेशन आ जाता है, अब आपका फ़ोन तैयार हो चुका है, खुल के आ चुका है। तो यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है, बस आपको यहाँ पर यूज़ नाउ, अब ये आपका फ़ोन स्टार्ट हो गया है। तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना। अगर आपको और वीडियोस देखनी है वीवो Y31 की, तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ से कमेंट में ज़रूर से बता देना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड